वेलकम बैक टू गेमिंग एरा। तो क्या हाल है आप सब लोगों के, उम्मीद करता हूँ सब कुछ बढ़िया ही होगा। तो यहाँ पर हम वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं इन गेम राइवलरी को लेकर के। तो यहाँ पर यार ड्यूरिंग फ्रेम्स यहाँ पर हमें गॉड लाइक वर्सेस सोल वर्सेस टीएसएम देखने को मिलता है। अब यार सेम टाइम पर देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली यहाँ पर जोनाथन पैन करते हुए नजर आते हैं ओमेगा को, एंड इसके बाद वो यहाँ पर पैन करते हुए नजर आते हैं निंजा को। ओमेगा नजर आएंगे, जॉनी यहाँ पर सिक्योर करते हुए देखने मिलेंगे, और शैडो यहाँ पर एलिमिनेट करते देखने मिलेंगे। ओमेगा चलिए पैन कर दिया, यहाँ पर टीम सोलो मेट को बहुत ज्यादा नुकसान देते हुए नजर आ जाएंगे। जोनाथन वर्सेस निंजा जॉट काफी हद तक डैमेज, पर जॉनी द जॉनी यहां पर बेहतरीन तरीके से एंड सोलो मेट के निंजा जॉट को भी पैन करते हुए देखने मिल जाएंगे। टीनियो को बचाने का पूरा ट्राई कर रहे, बट जीगॉट को आखिरी बुलेट तक यहां पर कनेक्शन, एंड कहीं ना कहीं गॉब्लिंग को भी पैन किया गया है, एंड जीगॉट के पैन से एलिमिनेट होते। एंड वहीं इसके रिगार्डिंग ओमेगा का रिएक्शन एंड बाकी सोल प्लेयर्स का रिएक्शन भी आप देख सकते हो। चल 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 आ यही तो चाहिए था। मैं वेट ही कर रहा था भाई, मेरे मन के अंदर ऐसा सपना सा उठ रखा था। मैं कहा हाँ हाँ प्लीज प्लीज। एनईसी के साथ ही साथ यहाँ पर गॉब्लिन भी जीगॉट को पैन करते हुए नजर आते हैं। कुछ ग्रेनेड्स यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे, गॉब्लिन जीगॉट को पैन करते हुए नजर आ चुके हैं। वेल ये पैन फाइट्स यार बहुत ज्यादा याद दिलाती है वो टाइम की जब बीच मैच था, मतलब ऑफिशियल तौर पर था, एंड यार वो जो इवेंट्स हुआ करते थे उसमें जो भसड़ मचती थी, मतलब इट वॉज क्वाइट नेक्स्ट लेवल। खैर ऑफिशियल तौर पर बीच मैच के बारे में बात करें तो बात कर लेते हैं बीच मैच लॉन्च पार्टी के बारे में। सो रिसेंटली एकेओपी की तरफ से यार एक रूमर हमें देखने को मिली थी, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको सारी चीजें ऑलरेडी क्लेरिफाई कर दी थी। वही बीच मैच लॉन्च पार्टी के रिगार्डिंग सवितार भी यही क्लेरिफाई करते हैं कि कोई भी स्लॉट किसी को भी अभी तक नहीं मिला है, एंड अगर कोई भी ये चीज क्लेम कर रहा है तो यार वो बस व्यूज का चक्कर बाबू भैया। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स खेल करके काफी सारे रुपए अर्न कर सकते हो। एंड इस एप्लीकेशन का नाम है बीसी गेम्स, जहाँ पर क्रेडिट करके आप काफी सारे रुपए अर्न कर सकते हो। एंड फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको यहाँ पे मिलेगा 300% का बोनस। एंड यहाँ पर यार काफी सारे इजी गेम्स है, जैसे कि इस गेम का नाम है फ्लिप कॉइन। यहाँ पर आपको हेड या टेल प्रेडिक्ट करना है, एंड जैसे कि आपने देखा कि मैंने यार प्रेडिक्ट किया था हेड, एंड यहाँ पर मैं जीत चुका हूँ। इसके अलावा आपको यहाँ पर माइंड गेम देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको प्रेडिक्ट करना है कि कहाँ पर जेम्स होंगे, एंड आपको यहाँ पर जितने ज्यादा जेम्स मिलेंगे उतना गुना प्रॉफिट आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड और भी काफी सारे इजी गेम्स हैं यहाँ पर। और सो आपको यहाँ पर एक क्रिकेट का सेक्शन भी मिलेगा, जहाँ पर अपकमिंग मैचेस का प्रेडिक्शन करके आप काफी सारे मनी जीत सकते हो। एंड यही नहीं, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये कि यहाँ पर आपको एक टेस्ला और दुबई जाने की फ्री टिकट भी मिल सकती है। तो फटाफट यार इंतजार किस बात का कर रहे हो, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगी, जाकर के लॉग इन करो और मेरा प्रोमो कोड यूज करो जो ऑन स्क्रीन आप देख भी पा रहे होगे गेमिंग एरा 50, ताकि आपको 300% का वेलकम बोनस मिल सके। होंगे तो इसी चीज पर नियो बात करते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि कौन कब बेंच होगा और कौन कब नहीं होगा। तो हम लोग ने अभी कैसा करा है कि अभी तक हम लोग 5 लोग हैं, तो भाई किसी को भी कोई भी बैठेगा उसको ऑब्वियसली क्यों ही बिठाने का ना। और हम लोग में ऐसा है भी नहीं, देखो हम लोग में बाकी टीम जैसा है भी नहीं कि मैं क्यों बैठूँ ये क्यों, हम लोग में ईगो नहीं भाई। हम लोग का ऐसा ठीक है, खेलना है खेल ले, बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग ने सबसे चाहा सब लोग दो दो मैच बैठेंगे, समझा। बट वही है कि स्टार्टिंग के दो मैच आएंगे, जॉनी आराम से सो के उठेगा, फिर उसके बाद ऐसा कुछ तो दो मैच कोई तो और बैठेगा, फिर लास्ट के जो मैचेस रहेंगे वो मैं नहीं खेलूँगा, जो शाम के मैचेस रहेंगे वो मैं नहीं खेलूंगा, मैं उसके जगह दूसरा कुछ खेलूंगा, स्क्रीम्स वेम्स दूसरे स्क्रीम्स। तो हम लोग ने ये समझा करा है। और सब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं, अपर हम बात कर लेते हैं हेक्टर के बारे में। सॉली में हेक्टर बात करते हैं कि आप बीच में कोच कैसे बन सकते हो, क्योंकि यार आपने नोटिस करा होगा कि ई-स्पोर्ट्स के अंदर इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, बट बीच में कोच बनने के लिए इतना कॉम्पिटिशन नहीं है। बीच में कोच बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, बीच में कोच बनने के लिए लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस होता था भाई। हैव बीन ग्राइंडिंग सिंस 4 इयर्स नाउ, आईटी आई हैव अ जॉब, सो मैनेजिंग बोर्ड शुड लाइक गिव अप। अच्छी बात है, देख कोच के लिए ना एक्चुअली कोच बहुत कम है, तो देखो वो वैसा एक्सपीरियंस चाहिए, वो सामने वाले प्लेयर्स लोगों को एंड और को बिठाने के लिए कोच नहीं होता है, समझे ना, मतलब उनके माइंडसेट में बिठाने के लिए कोच है। प्लेयर्स लोग के चार प्लेयर्स लोग को तेरे को समझ आना चाहिए कि कौन सा प्लेयर का कहाँ वीक पॉइंट है, कहाँ तेरे को सब कुछ करवाना है, जैसे हमारे कोच करवाते हैं। तो वैसा तो अगर बन सकता है तो प्लेयर्स खुद ही बोलेंगे कि आजा भाई हमारी ऑर्ग में हमारी टीम से खेल।
अब वीडियो में आगे बढ़ लेते रहिए, अपन बात कर लेते हैं मवी के बारे में। सो हाल ही में यार एक रूमर काफी निकल के आ रही है कि क्या मवी ओआ ज्वाइन करने वाले या फिर नहीं करने वाले, तो इसी चीज के रिगार्डिंग अल्ट्रॉन यहाँ पर बात करते हैं। ये कहते हैं कि यार जहां तक उनको लगता है, क्योंकि हमें पता है कि अल्ट्रॉन की बॉन्डिंग मवी के साथ काफी क्लोज है, तो अल्ट्रॉन इसी चीज पर रिप्लाई करते हुए कहते हैं कि यार उनके हिसाब से मवी ओआ ज्वाइन करते हुए नजर हमें नहीं आने वाले। एंड अब वीडियो में आगे बढ़ लेते रहिए, अपन बात कर लेते हैं स्नैक्स के बारे में। सो यार एक एथलीट की लाइफ में, फिर चाहे वो एक स्पोर्ट्स एथलीट ही क्यों ना हो, उसकी लाइफ में शेड्यूल एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड इस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पर सरदार बेस्ट एग्जांपल लेते हैं स्नैक्स का। जब ई-स्पोर्ट्स एथलीट्स खुद को एथलीट्स की लाइफ जीने में मजबूर करेंगे ना, देन थिंग्स वुड बी बेटर। दिस इज व्हाट आई फील। अगेन मैं बहन जो बहुत छोटा बच्चा सा हूं जो ये चीज कह रहा है, लेकिन आई फील दिस कि अगर तुम खुद को ई-स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, ई-स्पोर्ट्स इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स, तो तुम एक एथलीट हो ना, ई एथलीट हो, तो तुम्हें उस लाइफस्टाइल को जीना पड़ेगा। हेल्दी खाओ, जिम जाओ, या मतलब बेसिकली हेल्दी खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम पे सो, गिव टाइम टू योर ग्राइंड, एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। एक एथलीट की लाइफ बहुत डेडिकेटेड लाइफ होती है। जब तुम वो लाइफ जियोगे और वो डिसिप्लिन लोगे ना, तब तुम ग्रो होगे। वो चीज बाहर के लोगों में है, हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। रात को बहन के लौड़े हम सब बंदीबाजी कर रहे होते हैं, डू और रैंक कुछ कर रहे होते हैं, और तुम्हें भाई मैं कर रहा हूं तो बाकियों का क्या बताऊं, तो क्या हम लाइफ करेंगे। स्नैक्स लाइफ, एग्जैक्टली स्नैक्स लाइफ देखो भाई, वो बंदा कितना डेडिकेटेड हर एक चीज के साथ। तुम्हें टाइम पे उठना है, हेल्दी रहना है, अच्छा खाना है, ग्राइंड करना है, योगा करो या मेडिटेशन करो, मेंटल पीस रखो, हर एक चीज। कोचेस होते हैं इन सब चीजों के लिए, अच्छे बूट कैंप्स में ये सब चीजें करनी पड़ती हैं ब्रो। यू हैव टू लिव लाइक एन एथलीट, तब जाके तुम आगे बढ़ोगे, वो डिसिप्लिन तब आएगा उस एथलीट लाइफ में। प्लस हमारे यहाँ पे टीम्स, क्या बताऊं भाई, हमारे यहाँ भसड़ बहुत ज्यादा। बाहर के तुम्हारे टीम्स को देखो ना, वो लिमिटेड मैचेस खेलते हैं, वो मेजर इवेंट्स खेलते हैं। हर दूसरे इवेंट में तुम्हें नहीं आता दिखेगी ये टीम आगे वो टीम आगे, वो मेजर इवेंट्स खेलते हैं। और जो थर्ड पार्टी इवेंट्स खेलते हैं उनका प्राइस पूल बड़ा होता है, और उस इवेंट में घुस के मारते हैं, बिना सोचे लड़ते हैं वो, कि भाई फाइट लेंगे और देखेंगे खुद को इंप्रूव करेंगे। हमारे यहाँ तो मतलब लास्ट में जब पता है कि टीम सब चढ़ भी नहीं सकती ऊपर, तब वो कैंप करके खेल रही है। तब क्यों कैंप कर रहे हो भाई। और सर सरदार जी बैठी के बारे में आगे बात करते हैं, तो रिसेंटली वो यहाँ पर एक्सपोजर स्कैम के बारे में भी बात करते हैं। तो अगर आप मेरे को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हमने यार पीछे कुछ बात करी थी स्टोरीज के बारे में, जहाँ पर यार आईडी सेलिंग स्टोर्स को प्रमोट किया जाता है। इसी के साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि न्यू ने एक्सपोज करा एक ऑर्गेनाइजेशन को जो पेड स्क्रिम्स में खेलने के लिए पैसे लेती है। तो सरदार जी बैठी इसी चीज के बारे में बात करते हैं, ये कहते हैं कि ये चीज गलत है एंड ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड बेसिकली इसको आप अदर वर्ड्स में गैम्बलिंग या फिर स्लॉट स्कैमिंग भी कह सकते हो। एंड इसी के साथ ही साथ वो यहाँ पर स्टोर्स वाली चीज पर भी बात करते हैं कि जो भी लोग यह स्टोरीज अपलोड करते हैं, ट्रस्टेड स्टोर है, यहाँ से जाकर के आईडी बाय कर लो, सेल कर लो, ये सारी चीजें लीगल टर्म्स में नहीं आती है। एंड यार क्राफ्टन ये चीज अलाउ नहीं करता है, एंड अगर कोई उनके जैसा कास्टर ये चीज करता है तो ऑफिशियली उनको हटा दिया जाएगा कास्टिंग से। सो ओवरऑल वो पूरी क्लिप ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो। एफएम करो कैसे गलत है पेड स्ट्रीम्स से पैसा लेना। अगर सोल खेले जाए तो बहुत सारी अंडरडॉग टीम आएगी, एंड पैसा भाई पेड स्क्रीम्स ही गलत है एक्चुअली। तुम्हें ये भी नहीं पता है क्या, पेड स्ट्रीम्स इज Not allowed. Paid streams गलत है। वो पैसा, paid streams is like gambling. तुम्हें नहीं समझ आएगा, but paid streams के पीछे क्या चलता है? तुम देख रहे हो teams खेल रही है, teams बहुत कुछ कर रही है, but जो paid streams कराते हैं ना, that's wrong thing. तुम्हें नहीं पता ना कि पीछे क्या चलता है भाई। काफी लोगों के slots scam, काफी लोगों का पैसा गया, काफी कुछ हुआ, इसी वजह से ना क्राफ्टन से मना करती है ब्रो। अब क्राफ्टन से तो आगे तुम और मैं हो, कोई टीम नहीं है, ये बात तुम मानते हो, क्राफ्टन से तो आगे नहीं है कोई भी। तो जब वो अगर कहते हैं गलत है तो गलत है, जैसे आईडी सेलिंग गलत है भाई। जो आ रहा होता ना, तुम्हें दिख रहा होता ना कि लेजिट स्कोर स्टोर है गाइस, चेक आउट दिस, वो गलत है। मैंने स्टोरी डाल दी भाई कि ट्रस्टेड स्टोर डालते हैं ना जो बंदे, वो चीज नहीं डाल सकते हो तुम, नॉट अलाउड है। हमें तो वो भी अलाउड नहीं है, कास्टर तो एकदम नहीं कर सकते, हमारा तो भाई सीधा एकदम उड़ जाएगा, ऑफिशियल कास्टिंग नहीं मिलेगी हमें। रिसेंट एक टूर्नामेंट में कास्टर बीच में अकाउंट सेलिंग को प्रमोट कर रहा था, हाँ तो बस फिर उन कास्टर्स को कैंसिल होगा, और क्या कैंसिल होगा उनका, और कुछ नहीं कर सकते तुम भाई। बाकी आपके इस चीज पर क्या ओपिनियन है कि जो लोग स्टोर्स प्रमोट करते हैं क्या वो सही कर रहे हैं या बस यार वो ऑडियंस का मिसयूज कर रहे हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। तो बस इस पर्टिकुलर वीडियो में सिर्फ इतना, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर देना। बाकी भी मैं भी चलता हूँ मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।